share together. सीरियल जी जी माँ में सूयश और फाल्गुनी के बीच आने वाले एपिसोड में प्यारी केमिस्ट्री ऑडियंस को देखने को मिल सकती है। सीन में फाल्गुनी सूयश के ऊपर जूस गिरा देती है और उसके बाद मैडम के होश उड़ जाते हैं और क्या क्या करने लगती हैं। तो घर में मॉनसून आने की पड़ी हुई है, देखिए आप मेरा हालत देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने गलती से गिरा दिया ना जूस इनके ऊपर, बेचारे मेरे लिए जूस लेके आए थे और इन्हीं पे गिर गया, तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ कि ओहो व्हाइट शर्ट खराब हो गई, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, तो गंदा कपड़ा ले आती हूँ, पहले वो गंदा हो गया, फिर पानी मारे। एक लॉजिक होता है, अगर किसी इंसान में दिमाग हो तो वो कपड़ा लाने से पहले, मतलब पहुंचने से पहले, साफ करने से पहले वो देखता है कपड़ा कैसा है। लेकिन इनके यहाँ पे दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं, आप देख सकती हैं ना, तो बिल्कुल तो वही इतना, इतने जल्दी हड़बड़ी में थी कि मैंने जो मुझे मिला मैंने साफ करने आ गई। क्या होता है ना, ऐसा होता है जब दिमाग पे ज्यादा जोर से लगे ना तो ऐसी चीजें होती हैं। इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिस इज परफेक्ट। तो इनकी भी तो गलती ना, तभी रोक देना चाहिए था। मैं ये भी मार रही हूं, पानी भी मार रही हूं, फिर भी मैंने पानी के लिए भी रोका है, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। आप दोनों के बीच एक प्यारा मोमेंट भी देखने को मिलता है, उसके बारे में जरा अपने ऑडियंस को बता दीजिए। कंट्रोल करना ही पड़ता क्योंकि नहीं तो मैं और गीला हो जाता। अभी तो मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं गीला हो ही चुका हूँ, मतलब नहीं करते तो मुझे नहला दी थी। ये वैसे मैंने ना इनसे बदला लिया है जब ये देखा आया सच सामने, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सच सच बोल रही है इस टाइम। बताइए प्लीज, बताइए। नहीं वैसे ये नहीं, प्लीज बताइए, हमारे सर का ही नहीं था। वो तो थर का था, अभी आपने सच बोला ना। पर मैंने जानबूझ के दो तीन मोटले उड़ेल दी। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मुझे पानी वाले सीन में बहुत भिगाया, कट होता था तो भिगाई जा रहे मुझे, अमेरिका अब तुम देखो। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि इसने मुझसे बदला लिया। एक्चुअली ये सीन की रिक्वायरमेंट थी और हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, उनका जो दिमाग चलता है वो क्या कहते हैं, वो हमारे डायरेक्टर जी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, तो हाँ। वो लाइन में हमेशा मारता हूँ, बट वो एप्ट है उनके लिए, तो रोमांस किंग है एंड ही इज अ रोमांस किंग। तो आई थिंक एड ऑन चीज़ें की हैं, बहुत अच्छी थी और आई थिंक आई वी होप दैट यू गाइज विल लाइक इट। बस सीरियल में और क्या क्या होता है जानने के लिए सीरियल जी जी बात देखते रहिए। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।